विस्तारवादी मंशा के साथ क्षेत्रीय अस्थिरता और तनाव पैदा करने में जुटे चीन को भारत और जापान ने साफ कह दिया है कि दादागिरी के सहारे क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के किसी प्रयास का दोनों देश पुरजोर विरोध करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के नए रक्षा मंत्री के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत भी हुई और दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा के दौरान संयुक्त रूप से यह राय जाहिर की। राजनाथ और जापान के रक्षा मंत्री की बातचीत के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की ओर से जारी अलग अलग बयान में पूरे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ाने की चीन की हरकतों पर बातचीत की गई है। चीन का नाम लिए बिना भारत और जापान ने अपने इस बयान के जरिए स्पष्ट रूप से लद्दाख में बीते 8 महीने से LAC पर यथास्थिति बदलने के चीन के जारी प्रयासों को लेकर उसे कटघरे में खड़ा किया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने जारी अपने बयान में कहा है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने पूर्वी चीन सागर व दक्षिणी चीन सागर समेत तमाम क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा की। मौजूदा घटनाक्रमों के मद्देनजर उनका साफ कहना था कि इस बारे में भारत जापान का एकमत संदेश जाना चाहिए। ऐसी हरकतें क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगी और दोनों देश एक तरफा यथास्थिति बदलने के प्रयासों का तगड़ा मुकाबला करेंगे। जापान का यह रुख पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन को बार बार यथास्थिति का सम्मान करने की दी जा रही नसीहत का समर्थन करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी दोनों नेताओं के बीच कानून संवत स्वतंत्र और मुक्त समुद्री आवाजाही व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की बात कही। चीन की चुनौतियों को थामने के मद्देनजर दोनों रक्षा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मजबूती से जारी रखने पर जोर दिया। राजनाथ और किसी ने बहुपक्षीय रक्षा सहयोग और साझेदारी के तहत हाल ही में क्वाड देशों के मालाबार युद्धाभ्यास और जापानी सेना के चीफ स्टाफ की भारत यात्रा के मसलों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। रक्षा उद्योग और तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को और ऊंचाई देने पर भी सहमति जताई गई। वहीं आपको बता दें, LAC पर भारत से चल रहे टकराव के बीच अमेरिका ने तिब्बत में दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया में चीन सरकार की दखलअंदाजी का कड़ा विरोध किया है। तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के समर्थन में अमेरिकी संसद ने एक नया कानून पारित किया है। नए कानून में साफ तौर से कहा गया है कि जब बौद्ध धर्म का पालन भारत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया जैसे देशों ने भी किया है, तो फिर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ही क्यों धार्मिक गुरु के चुनने की प्रक्रिया में टांग अड़ाती है। सोमवार देर रात अमेरिकी संसद ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को पारित कर दिया। इस बिल में तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का समर्थन किया गया। साथ ही तिब्बत से NGO आदि को फंडिंग देने पर भी जोर दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।